देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। नोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती, हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज 28 पर देखिए रविवार 15 मई 2022 से रात 8 बजे खबरें दिन भर की, तो देखना ना भूलिएगा मेरे साथ इंडिया न्यूज 28 पर खबरें दिन भर की। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में, मैं हूँ आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने किया निरीक्षण। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज संभल एवं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सिरसी का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कक्षाओं में जाकर बच्चों से पढ़ाई को लेकर वार्ता की एवं अध्यापकों की उपस्थिति पंजिका को चेक किया। बच्चों की कम उपस्थिति को लेकर नाराजगी व्यक्त की एवं कॉलेज में पढ़ाई करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी महोदय ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी स्कूल में नियमानुसार पढ़ाई कराई जाए। स्कूल परिसर की साफ सफाई को देखकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सिरसी का औचक निरीक्षण करते हुए क्लासों में बैठे बच्चे एवं किसी भी क्लास में अध्यापकों की उपस्थिति न होने को लेकर जिलाधिकारी महोदय ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। संभल संवाददाता सालिना शुक्री की रिपोर्ट। सर, अब पीएससी की निगरानी में अब सर बिजली चेंज की जाएगी, सर ये तो क्या वजह है सर जो पीएससी को लाना पड़ा सर? देखिए, पूरे संभल जनपद में काफ़ी अधिक बिजली की चोरी है और जो विद्युत निगम है उसके लॉसेस सबसे अधिक संभल में पाए गए हैं और इसी के संबंध में लगातार अभियान चल रहे हैं और बिजली की चोरी पकड़ी जा रही है और बहुत सारे केसेस में जुर्माने और मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुत ही गहन जो ऐसे सघन इलाके वाले हैं जहां पर आबादी काफ़ी सघन है, वहां पर हमारे जो विद्युत विभाग के अधिकारी जब इस प्रकार की कार्रवाई के लिए जाते हैं तो उनके साथ कई प्रकार की बदतमीजी या किसी प्रकार की कोई छीना झपटी करने की कुछ शिकायतें आई, जिसके कारण पुलिस फोर्स और पीएससी की मांग विभाग के द्वारा की गई थी। पीएससी फोर्स उनको उपलब्ध करवा दी गई है। हमारे एसडीएम ने भी अपने स्तर पर बैठकें करके और विभिन्न प्रकार से प्रचार प्रसार किया है कि कोई भी व्यक्ति विद्युत चोरी ना करे, अगर कोई विद्युत चोरी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लगातार ये अभियान चलता रहेगा जब तक कि विद्युत चोरी की स्थिति में सुधार नहीं होता।